नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने पहले भी कहा था कि जब से नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते पार्टी ने तय किया था 2014 से, लगातार हर चुनाव में लोकसभा के लिए चारों सीटें देने का काम इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने पूरा किया है। अब की बार भी इस बात को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने अपना इतिहास दोहराते हुए 2024 में भी भारी बहुमत के साथ चारों लोकसभा सीट में शानदार जीत हासिल की है, जिसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका सहयोग जिस प्रकार से हमको इस चुनाव के अभियान में हम मिला है, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीत करके, एनडीए जीत करके आगे फिर से सरकार बनाने जा रही है, और ये श्रेय अगर जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाते हुए, उनके नेतृत्व पर मोहर लगाते हुए समर्थन दिया, सहयोग दिया, और हम चारों सीटें बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने में हम सफल हुए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त हम यहाँ मंडी में हैं, तो मंडी सीट का जिक्र बहुत जोरों पर पूरे देश के हर मीडिया के माध्यम से, हर व्यक्ति के माध्यम से सुनने को मिल रहा था, मुश्किल है, कठिन है, कई तरह की बातें, लेकिन हमें मालूम था, पूरा भरोसा था कि आखिरकार मंडी लोकसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अपना समर्थन देगी, और समर्थन दे करके कंगना जी को यहाँ से सांसद के रूप में दिल्ली भेजेंगे। और इसलिए मैं विशेष तौर से मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ में यहाँ पर सभी माननीय विधायक यहाँ पर बैठे हैं, पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मंडी जिला की नौ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की। कुल्लू जिला में भी हमने चार में से तीन विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत बढ़िया बढ़त हासिल की, और यहाँ तक के भरमौर जहाँ कहा जाता था कठिन है, मुश्किल है, वहाँ बढ़त नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी 5000 वोटों से भी ज़्यादा की बढ़त के साथ वहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी कंगना जी को वहाँ से जीत हासिल हुई है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी चारों सीटों पर जीत के लिए सभी जो हमारे सांसद उम्मीदवार थे सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेष तौर से यहां मंडी में कंगना रनौत जी जो हमारे बीच में यहां पर बैठी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शानदार जीत हासिल हुई है, और हमने एक बात जरूर कही थी, मंडी का अपमान हर कोई, हर कभी, हर कहीं करने की जरूरत कर रहा था, और ये संदेश मंडी के सम्मान का है, मंडी के स्वाभिमान का है। और उस दृष्टि से मैं ये कहूँगा, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोली, उन पर मैं आज बोलना नहीं चाहता हूँ, धीरे धीरे वक्त के साथ बोलेंगे, ज़रूरत लगी तो ज़रूर बोलेंगे, लेकिन मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस सारी कैंपेन में क्यों लंबी कैंपेन हुई, बड़ी एग्जॉस्टिंग कैंपेन हुई, जिसमें आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला। आओ अब इस जीत के बाद हम मंडी के विकास के लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित करते हैं, मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, और हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बात के लिए हिमाचल की जनता का एक बार हृदय से फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है।